हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया? अच्छा, बढ़िया है सब। अरे बोलो यार, कुछ तो जोश दिखाओ। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलो ठीक है। तो बताओ, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी? अरे मॉलिक्युलरिटी होता क्या है? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, क्या बोले? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इट्स कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। यानी मॉलिक्युलरिटी जो बेसिकली डिफाइन है बेटा, वो किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया? यानी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज होंगे वही क्या कहलाता है? मॉलिक्युलरिटी कहलाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कोई एलिमेंट्री रिएक्शन लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन लेंगे, ठीक है, जैसे देखो ना, ए से प्रोडक्ट में बदल रहा है, बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितना? बताओ यार, मॉलिक्युलरिटी इसकी कितना? वन। यानी इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यदि मॉलिक्युलरिटी वन है तो क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस बी ले लो ना, से प्रोडक्ट बन रहा है, बोलो मॉलिक्युलरिटी कितना? टू। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अरे यार इसकी मॉलिक्युलरिटी कितना है? टू है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, कट आउट, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, कट आउट है। तो मॉलिक्युलरिटी बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। कट आउट। अब हम बात करेंगे, क्या आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या सर मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन है? तो हाँ, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कट आउट। तो चलिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मॉलिक्युलरिटी के बारे में, उसको मैं राइट कर देता हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला? इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, बट इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कट आउट। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज। यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। यानी आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज को आप रिएक्शंस देख के ही तो बता देंगे आप। यानी कहने का मेरा मतलब है कि मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन देख के ही बता देंगे आप। रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज है वही उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। ठीक है, तो हमारा कहने का मीनिंग क्या हुआ कि मॉलिक्युलरिटी इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स।
यानी हम रिएक्शंस देख के मॉलिक्यूल के बारे में प्रेडिक्शन कर देंगे। ठीक है, इट इज द क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या केमिकल काइनेटिक्स, बोलो भाई, कट आउट। यानी रिएक्शंस देख के आप, यदि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया जाए तो उसको देख के आप मॉलिक्यूल बना देंगे आप। ठीक है, और बताओ मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल जब भी होगा तो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, और 1, 2, 3 यही ना होगा। ठीक है, इट इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, बट इट नेवर बी जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूल कभी जीरो नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, ना ही फ्रैक्शन होता है। क्यों भाई? अरे यार बताओ, क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिस कभी जीरो होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी फ्रैक्शन में होगा? नहीं होगा ना। तो मॉलिक्यूल कभी जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा जो अगला पॉइंट बता रहा हूं। कहता गया मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर। ठीक है, यानी किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूल 3 से ज्यादा बहुत रेयर केस में मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कॉलिजन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कॉलिजन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? एक साथ एक स्टेप में 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रॉब्लम बना सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखिए समझिए आप, जैसे आप मान लीजिए 4 रिएक्टेंट लिए, अब ये 4 रिएक्टेंट एक समय पे सब एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा क्या? ये इसके साथ किया, इसके साथ भी ये किया, लेकिन इसके साथ इसका कहां कोलिजन हो रहा है, देखो ना। ठीक है, 4 एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। यानी जैसे 3 से ज्यादा रिएक्टेंट स्पेसिस लेंगे आप, तो उसकी कोलिजन करने की प्रॉपर्टी एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? वेरी लेस होगा। यानी जब टकराएगा नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? ठीक है, जब चारों एक साथ टकराएगा नहीं तो एक स्टेप में प्रोडक्ट दो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में होता क्या है कि पहले 3 टकराता है, 3 टकराया, उसके बाद कुछ बना इंटरमीडिएट, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ? इंटरमीडिएट बना, इसमें क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? चौथा टकराया। यानी 3 तो टकराया हुआ था ऐसे, और चौथा आगे टकराया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है ना कि पहले 3 टकराया, फिर आके चौथा टकराया, यानी रिएक्शन कितने स्टेप में भाग गया? 2 स्टेप में भाग गया ना। देखिए सेम इंस्टेंट पे चारों टकरा पाया, नहीं टकरा पाया ना। ठीक है, अले ये 3 एक साथ टकराया और ये चौथा अलग टाइम में टकराया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब रिएक्शन तो 2 स्टेप में चला गया, और जब रिएक्शन 2 स्टेप में चला जाएगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूल आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इसी कारण हम बोलते हैं ना कि मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, बहुत रेयर केस में मिलता है। बिकॉज बताया था ना क्या, अरे कॉलिजन सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कॉलिजन करने की प्रॉबर्टी क्या हो जाता है? वेरी लेस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, नोट में लिख देता हूं, क्या मॉलिक्यूलिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ग्रेटर देन थ्री इज वेरी रेयर। क्यों बेटा? बिकाउज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन
ऑफ ग्रेटर देन थ्री रिएक्टेंट स्पेसीज, ग्रेटर देन थ्री रिएक्टेंट स्पेसीज, रिएक्टेंट स्पेसीज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम इज वेरी लेश, इज वेरी लेश, ठीक है, यानी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ टकरा के प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। और जब एक साथ टकरा के प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, इसका मतलब रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकता है, यदि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल ले लेंगे आप तो, ठीक है, तो जब रिएक्शन एक स्टेप में होगा नहीं तो मॉलिक्यूल डिफाइन होगा नहीं, यानी तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल वेरी रेयर केस में मिलता है। क्यों भाई? तो रीजन सामने लिख दिया हूं, ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ऑफ ग्रेटर देन थ्री मोर रिएक्टेंट स्पेसीज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इज वेरी लेस, ठीक है, किसी को डाउट नहीं ना, ठीक है। अब हमने एक बात करा कि मॉलिक्यूलिटी के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा था, एक पॉइंट और बता दूं कि रिएक्शन के कंडीशन चेंज करने पे, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट जिस कंडीशन में आप कर रहे हो, ठीक है, यदि उसकी कंडीशन को आप चेंज कर दो तो मॉलिक्यूलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन लेके, आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दो घटा दो तो क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज पे चेंज कर जाएगा क्या? अरे दो रिएक्टेंट लियो तो दो ही रहेगा ना, चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दो चाहे घटा दो चाहे प्रेशर चेंज कर दो, कुछ भी यदि आप रिएक्शन के साथ करते हो, ठीक है, यानी कुछ भी करने का मतलब क्या, रिएक्शन के साथ आप टेम्परेचर चेंज करो, रिएक्शन का आप क्या करो प्रेशर चेंज कर सकते हो, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करो, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी ऑन चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, क्या बोल रहे हैं, ऑन चेंजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन क्या डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, समझ में आया सबको इतना, को डाउट, अरे को डाउट भाई नहीं ना, ठीक है। अब हम एक पॉइंट आपको बता दें, ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हालांकि आपको आता है सब कुछ लेकिन तभी भी जान लीजिए ना ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी, तो देखिए ना छोटा छोटा डिफरेंस लिख दे रहे ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी में, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर क्या था बेटा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज द क्या सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, ठीक है, इन रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के पावर का सम है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल तो अभी बताया इट इज द नंबर ऑफ क्या, अरे अभी तो बताया इट इज द नंबर ऑफ क्या, रिएक्टेंट स्पेसीज, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज टेक्स पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन एन क्या एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, को डाउट भाई, ये तो डिफिनेशन अभी पढ़ाया, और बताओ मॉलिक, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस बताओ, जो ऑर्डर है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है ना, ठीक है, और थ्योरेटिक और मॉलिक्यूलिटी क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, बताया था ना, लेकिन मॉलिक्यूलिटी क्या होगा, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा, ऑर्डर किसी भी का रिएक्शन का भी डिफाइन है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं आप,
चाहे वो एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो, यानी ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर क्या, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल किसका, सिर्फ और सिर्फ बताओ भाई किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन का। ठीक है, समझ में आता है? और भी अंतर लिख सकते हो ना, क्या, ऑन चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी चेंज। मैंने बताया था ना कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज भी कर सकता है, लेकिन ऑन चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर मॉलिक्यूलिटी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी चेंज, यानी चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट वो भी लिख सकते हो अंतर में। अरे बोलो भाई, किसी को डाउट, छोटा भी डाउट पूछो, नहीं ना, ठीक है आगे देखते हैं। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है, ये सारा पॉइंट हालांकि मैंने बता के रखा हूं, ये अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन रहा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, हालांकि मैं इसको भी बता चुका हूं, लेकिन देखो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई रिएक्शन है 2A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है, अब बताओ कैसे लिखोगे, R इक्वल टू कैसे लिखोगे, K रेट कांस्टेंट और इनटू A का पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना 2, अब बी के एस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1। बोलो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अरे यार एलिमेंट्री है तो बोले थे ना कोफिशिएंट देख के पावर चढ़ाना, ठीक है, यदि एलिमेंट्री रहेगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही, ठीक है, ऑर्डर होगा ना इसका, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1, बताया था जब एलिमेंट्री रहेगा तो कोफिशिएंट देख के ही पावर चढ़ाइएगा, यानी जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर है, ठीक है, समझ में आता है, यानी ओवरऑल ऑर्डर कितना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें ये तो 2 तो ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1 है ना, ठीक है, और यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 3, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2+1 = 3, अरे यार 2+1, ठीक है, अब मॉलिक्यूलिटी की बात करो, बताओ मॉलिक्यूलिटी कितना, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन कितना बोलो, मॉलिक्यूल भी 3 क्यों, अरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2, यहां 2 ए है और 1 बी है ना, तो 3 हो गया ना, ठीक है, यानी कितना मॉलिक्यूल भी 3, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसिज, ठीक है, समझ में आता है, बोलो भाई, ठीक है, यानी कहने का मतलब ऑर्डर यहां कितना गया 3 और मॉलिक्यूल भी कितना गया 3, तो हम क्या कंसेप्ट कर सकते हैं कि फॉर, इसको याद रखना, फॉर क्या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, याद रखिएगा इसको कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलिटी होता है वही क्या होता है ऑर्डर होता है बेटा, ठीक है, समझ में आता है, अरे बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है, गो डाउट, नहीं ना, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा एलिमेंट्री का सबको ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी निकालना आ गया ना, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं, मॉलिक्यूलिटी कितना रिएक्टेंट है वही उसकी मॉलिक्यूलिटी है, ऑर्डर जो कोफिशिएंट है वही देख के पावर चढ़ा दो और दोनों के पावर का लास्ट में सम कर दो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे ये हम बताने वाले हैं आपको,
तो सबसे पहले आपको बताया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, दैट रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन टू और मोर देन टू स्टेप्स, ठीक है। ये तो डिफिनेशन आपको पता ही, पहले ही बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, टू और मोर देन टू स्टेप से बनता है ना, ठीक है, ये तो बता चुके हैं। तभी भी थोड़ा लिख देता हूं, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टेप्स, ठीक है, बताया था ना टू और मोर स्टेप्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट करेगा। और क्या बोले थे, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप, बताया था ना, ईच स्टेप ऑफ क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप, एन एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है। और क्या बताए थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, बताया था ना आपको कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, इसलिए सर क्योंकि जब तक स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि फास्ट को कंप्लीट होने में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, यानी जो भी मेन टाइम लगेगा, ठीक है, वो तो कंप्लीट किसको होने में, स्लो को होने में लगेगा ना। यदि स्लो मेरा कंप्लीट हो गया तो हम कह सकते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी बता देना कि स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, RDS, बता देना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यानी हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, RR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब क्या करेंगे, स्लो स्टेप का रेट लिख देंगे, रेट ऑफ क्या, स्लो स्टेप का जो रेट होगा ना वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। यदि स्लो स्टेप कंप्लीट हो गया तब बोल सकते रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी जो स्लो स्टेप का रेट होगा वही रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वही होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप का रेट होगा। यदि स्लो स्टेप का रेट आप निकाल दिए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट निकाल दिए, क्योंकि जब तक स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बताया था ना आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना कि जब फाइनल रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट इज नॉट अपीयर, यानी जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फाइनल रेट का एक्सप्रेशन जब लिख रहे हो, ठीक है, मैं लिखता हूं नो इंटरमीडिएट शुड बी अपीयर इन फाइनल रेट एक्सप्रेशन ठीक है ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब फाइनल रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हो ना उसमें ध्यान देना कि कोई इंटरमीडिएट दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, यदि दिखाई दे रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। अब कैसे हटाएंगे वो तो हम आगे बात करेंगे ना, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फाइनल रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, यदि आ रहा है तो उसको हटाना होगा आपको, ठीक है। चलिए मैं सवाल लेता हूँ आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता है एक दो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी आपको क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा स्टेप से लिखेंगे, स्लो स्टेप से, ठीक है। चलिए राइट रेट लॉ फॉर ट्वाइस एन ओ टू प्लस एफ टू से जा रहा बेटा एन ओ टू एफ में, ठीक है, ये रिएक्शन दिया गया है, इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना, ठीक है। अब इसके लिए मैकेनिज्म भी दे दिया गया है, मैकेनिज्म दिया गया क्या, NO2 प्लस F2 से बन रहा है मेरा NO2F प्लस F, ठीक है।
फिर क्या हो रहा है बेटा, एनओ टू प्लस एफ मिलकर बना रहा है एनओ टू एफ। ये स्टेप स्लो स्टेप है और ये स्टेप बेटा फास्ट स्टेप है। इस स्टेप का रेट कांस्टेंट के वन है और इस स्टेप का रेट कांस्टेंट के टू है और हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, जो ऊपर में रिएक्शन दिया गया कॉम्प्लेक्स उसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। तो यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना है। तो लिखते हैं आइए, तो अभी तो बताए थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना है तो कौन सा स्टेप देख के लिखेंगे, स्लो स्टेप। यानी जो स्लो स्टेप का रेट होगा वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होगा। अभी स्लो स्टेप का रेट कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक स्टेप होता है अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है, बता कर रखो ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है और एलिमेंट्री स्टेप का तो तुम्हें रेट लिखने आता है। क्या होता है, अरे एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लिखने आता है ना, क्यों, अरे कोफिशिएंट होगा वही ना पावर में चढ़ाओगे। यानी जो मॉलिक्यूलिटी होगा, मॉलिक्यूलिटी है कितना, टू, तो ऑर्डर भी कितना होगा, टू। मैं बता कर रखा हूं ना, यदि एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो ऑर्डर जो होगा वही मॉलिक्यूलिटी होगा, या बोले जो मॉलिक्यूलिटी होगा वही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस हम बात कर रहे हैं कि इस स्लो स्टेप का रेट लिख दिए तो आप रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दिए। यानी रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, स्लो स्टेप का रेट होगा। अब स्लो स्टेप का रेट लिखो कितना, के वन एनओ टू का पावर कितना, वन, और एफ टू का पावर कितना, वन। सर क्यों, ये स्टेप अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री स्टेप है ना, ये भी स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री, लेकिन हमको तो जरूरत है इस स्टेप का। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूल कितना, टू, ऑर्डर भी टू। देख लो, स्लो स्टेप का रेट लिख दिए वही किसका रेट होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होगा। यानी रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दिया। ठीक है, अब जब फाइनल रेट एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो मैंने बोला था कोई, ठीक है, इंटरमीडिएट का टर्म नहीं आना चाहिए, अपीयर नहीं होना चाहिए। यहां जो फ्लोरीन एटम है वो इंटरमीडिएट है, क्या यहां अपीयर हो रहा है, एफ, देखो ना, नहीं ना। ठीक है, तो मेरा आंसर सही है। बस एक बार आंसर देने से पहले एक बार देख लेना कि फाइनल रेट वाला एक्सप्रेशन में जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिख रहे हो तो उसमें देख लेना एक बार कि एक्सप्रेशन में, हमारे पास रेट वाले एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट अपीयर है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आंसर दे दीजिए वहीं पे, यदि रहेगा तो उसको हटा देना, यहां तो कोई है ही नहीं। तो आंसर हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, बताओ यहां ऑर्डर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, इक्वल टू टू। बोलो भाई, होल्ड आउट, रेट लॉग है, यानी इस रिएक्शन का रेट लॉग एक्सप्रेशन लिख दे, क्योंकि इसका रेट और इसका रेट क्या होगा, बराबर होगा ना, बता चुका हूं पहले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट किसके बराबर, रेट ऑफ स्लो स्टेप के बराबर। ठीक है, तो स्लो स्टेप का रेट लिख दिए वही कॉम्प्लेक्स का रेट है, और जब कॉम्प्लेक्स के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख दिए तो ऑर्डर भी निकल गया। ठीक है, को डाउट, किसी को कुछ भी डाउट, ठीक है, नहीं ना। चलो अगला सवाल बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो बात कर रहे हैं उसको देखिएगा, फिर वही सवाल दे रहे हैं, राइट द रेट लॉ फॉर ये, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है, इसका मैकेनिज्म दिया गया है, ओ थ्री ओ टू प्लस ओ बन रहा है और ये स्टेप रैपिड इक्विलिब्रियम स्टेप है। ठीक है, फिर क्या, ओ थ्री प्लस ओ से बन रहा है क्या बेटा, ट्वाइस ओ टू। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ है, बैकवर्ड रिएक्शन का के बी है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के वन है। हमें क्या लिखना है, रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, जो ऊपर में रिएक्शन दिया गया ना उसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है,
तो अभी बताए थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कौन सा स्टेप से देख के लिखते हैं, स्लो स्टेप से, तो लिखिए स्लो स्टेप तो दिखाई दे रहा ना, ठीक है, स्लो स्टेप का रेट लिखो K1 O3 का पावर 1 और O का पावर 1। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप देख के लिख दिया आपने, लेकिन मैंने बोला था क्या रेट, रेट तो लिख दिया, तो क्या ऑर्डर 2 होगा, क्या इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा? नहीं। क्यों नहीं सर? मैंने बोला था ना इन फाइनल रेट एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप से तो जरूर लिख रहे हैं, लेकिन एक बार फाइनल आंसर देने से पहले देखिए कि फाइनल रेट वाले एक्सप्रेशन में क्या कोई मेरा इंटरमीडिएट है या नहीं है। है, देखिए ना, ये ऑक्सीजन तो इंटरमीडिएट है, देखिए ना, ठीक है, यानी फाइनल रेट वाले एक्सप्रेशन में क्या आपके पास इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है? तो इस इंटरमीडिएट को हटाने के बाद आप आंसर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं लिखा हूं वहां पे लिटरेचर में, नो इंटरमीडिएट शुड बी अपीयर इन फाइनल रेट एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, तो इस इंटरमीडिएट को हटाना होगा आपको। तो कैसे हटाएंगे भाई? ये स्टेप अपने आप में क्या है, इक्विलिब्रियम का स्टेप है, तो इक्विलिब्रियम में स्टेप के लिए क्या होता है ना, फॉरवर्ड बराबर क्या होता है, बैकवर्ड, ठीक है, तो इस स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड का रेट इक्वल टू क्या, बैकवर्ड का रेट, तो फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखोगे, केएफ, अरे आरएफ बराबर आरबी होता है ना, फॉरवर्ड का रेट इक्वल टू बैकवर्ड का रेट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, और फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखोगे, केएफ इंटू O3 का पावर 1, अब बैकवर्ड का कैसे रेट लिखो, केबी इंटू क्या, O2 का पावर 1 और O, यहां से ऑक्सीजन निकालिए ना, O इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, केएफ बाई केबी और इंटू O3 बाई क्या, O2, अभी सो की वैल्यू हम डालिए, पुट करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, K1 O3 का पावर 1, O के बदले वैल्यू डालिए क्या, KF अबाई KB और इंटू O3 अबाई क्या, O2, बोलो भाई, अब सारे कांस्टेंट को एक जगह कर लो, K1 इंटू KF अबाई KB O3 का पावर 2, अरे पावर वन यहाँ भी है ना, यह देखो पावर 1 प्लस 1 2 और O2 यहाँ क्या है, O2 है ना, O2 का पावर क्या, -1, देख लो ये O2 ऊपर चला जाएगा ना, -1, अब ये सारा कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट लिख दो, के क्या हो जाएगा, O3 का पावर 2 और O2 का पावर क्या, -1, ये फाइनल रेट एक्सप्रेशन बना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्यों, इसमें अब कोई इंटरमीडिएट नहीं रहा, अब कोई इंटरमीडिएट नहीं रहा ना, ये ठीक है, इसको O को हटा दिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना जब फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो एक बार देख लो कि कोई इंटरमीडिएट है या नहीं, ठीक है, अब इंटरमीडिएट नहीं रहता तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरमीडिएट है तो उसको हटा के फाइनल पे आना पड़ेगा, ठीक है, तो इंटरमीडिएट हटाए, तो अब देखो पावर का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 2-1 कितना, 1, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, इस रिएक्शन के यदि ऑर्डर की बात करेंगे तो कितना, 1 होगा ना, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन रेट का एक्सप्रेशन देखिए ना, उसमें कंसंट्रेशन का पावर का सम करिया, यानी 2-1 क्या, 1 हो जाएगा ना, गो डाउट, बोलो भाई किसे गो डाउट है, बोलो, नहीं ना, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, ये K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 KF बाई KB, K इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट हो गया वो, ठीक है, किसी को डाउट है पूछो, ठीक है, इसको और दूसरे टेक्निक से भी कर सकते, देखिए इसको दूसरे टेक्निक से भी कर सकते थे, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो ना, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो ना, क्या O2 अब बाई क्या, O2 इंटू O अब बाई क्या, O3, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदले आप लिख सकते हैं KF बाई KB, अरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाई क्या, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो था ना, अरे के इक्विलिब्रियम के बदले नहीं लिख सकते हो, KF बाई KB, वो वैल्यू बाद में डाल देना, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देना, वहां से O की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा बताओ, K1 इंटू O3, दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते थे आप, O की वैल्यू क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू O3, K इक्विलिब्रियम इंटू O3 अब आई क्या, O2, बोलो भाई ये कांस्टेंट एक दे रख कर लो, यानी K1 इंटू K इक्विलिब्रियम
और इंटू ओ थ्री का स्क्वायर और ओ टू का पावर गिनना माइनस वन, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट क्या लिख लो, एक अंदर कॉन्स्टेंट के लिख दो, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम के बदले पता है के बाई के बी भी लिख सकते हैं, इसके बदले के बाई के बी, तभी वो तो सारा कॉन्स्टेंट मिलकर कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा ना। यानी के और इंटू ओ थ्री का पावर गया टू और ओ टू का पावर कितना माइनस वन, तो अभी भी देख लो ना ऑर्डर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, ठीक है। समझ में आता है, कोड आउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबको रेट लॉक एक्सप्रेशन लिखने आ गया। अरे यार जब रेट लॉक एक्सप्रेशन लिखने आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर देखना कि जब फाइनल रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो उसमें इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए, यदि है अपीयर तो उसको हटा देना। जैसे यहां देखिए ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट तो स्लो स्टेप से डायरेक्ट लिख के आंसर लग बच्चा बोल देता है वन प्लस वन टू, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए ना, इंटरमीडिएट को हटाइए और हटाने के बाद फाइनल रेट का एक्सप्रेशन निकालिए आप, तब आप उसमें ऑर्डर बोलिए, ठीक है। कोड आउट नहीं ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।